अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबरकत महीना स्टार्ट हुआ है। सो आज ही मैंने सहरी में बनाया था ओट्स, और बस यहाँ पर मैं ओट्स ही बना रही थी। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 कप पानी लिया था, हल्का सा बस गर्म हुआ तो मैंने ओट्स शामिल कर लिया और साथ में मिल्क भी डाल दिया। और ये देखिए अब मैंने मिल्क डाल दिया। पहले मैंने ओट्स डाल के अच्छा सा मिक्स किया था और इसके बाद फिर मैंने मिल्क डाल दिया 1 कप भर के। और बस मैंने थोड़ी सी बस 1 चम्मच मैंने ब्राउन शुगर भी डाल दिया था। ब्राउन शुगर डालने से ओट्स का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, सो मैंने बस 1 चम्मच ही डाला था, ज़्यादा नहीं। सो बस जी यहाँ पर ओट्स रेडी थे, साथ में ही मैंने फ्रूट भी काट के रखे थे। तो मॉर्निंग में तो ज़रा हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए, तो आज फर्स्ट रोज़ा था तो हमने सोचा कि ओट्स ही बना ले। और साथ में कुछ ये ड्राई फ्रूट्स भी थे, और साथ में ये पीना बटर, और साथ में जी ये चिया सीड भी थे। सो बस मैंने सबके अपने अपने जिनके मतलब फेवरेट जो जो फ्रूट था तो बस मैंने वही काट के सबके मैंने डाल दिया। और साथ में जी बस लास्ट में ये चिया सीड भी डाल दिए, और हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल यहाँ पर बस ऑलमोस्ट रेडी था। और साथ में मैंने चाय भी बना ली थी, और चाय तो मस्ट ही होती है। सो बस जी ये मैंने चिया सीड डाल दिए, और बस साथ में ये ओट्स के साथ या योगर्ट के ऊपर जो पीना बटर है ये ऑर्गेनिक था तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो साथ में जी बस मैंने फ्रूट वगैरह काट के अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सहरी यही कर ली थी। और इसके बाद जी फिर मैंने बस ये अब दोपहर का टाइम था तो यहाँ पर बस मैंने ये एक सेटअप किया था रमदान करीम का, सो ताकि सारी चीज़ें मैंने यहीं पे ही रख दी थी ताकि इजीली बच्चे भी यहीं से जानमाज लें, तस्बीह वगैरह, कुरान शरीफ, और मैंने टोपी और स्कार्फ सारी चीज़ें एक जगह में रख दी थी ताकि ईज़िली ले लें और नमाज़ पढ़ लें। सो इसके बाद जी आफ्टरनून में फिर मैंने सबसे पहले स्टार्ट फ्रूट चाट से ही किया था। तो फ्रूट चाट तो मस्त बनती ही है रमज़ान में माशाल्लाह से, और सब खाते, वैसे इतना फ्रूट खाया नहीं जाता लेकिन रमज़ानुल मुबारक महीना ही ऐसा है कि हर चीज़ में एक अलग सा ही टेस्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पर मैंने बस थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाल दी थी, और ऑरेंज भी मैंने डाल दिया एक पूरा ऑरेंज, जैसे मैंने सारा जूस डाल दिया था ऑरेंज का। और थोड़ी सी मैंने जो चाट मसाला है और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मिक्स करके रख दिया था। और यहाँ पर मैंने अलग से थोड़ा सा योगर्ट ले लिया, और जिसमें मैंने ये सावर क्रीम डाल दी 1-2 चम्मच भर के ऑलमोस्ट। सावर क्रीम के साथ में ब्लैक पेपर और थोड़ा सॉल्ट डाल दिया और मिक्स करके रख दिया कि अगर किसी को फ्रूट चाट के ऊपर से योगर्ट डाल के खाना हो तो फिर इसलिए मैंने अलग से भी रेडी करके रखा था, क्योंकि बच्चों को योगर्ट डाल के तो फ्रूट चाट पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए अलग ही मैं बना के रखती हूँ। और खजूर जो थी वो भी मैंने धो के रख दी। और यहाँ पर मैंने पुलाव, चिकन पुलाव बना लिया था, और ये भी मैंने अब राइस कुकर में मैंने डाल दिया, और बस ये बॉयल होगा तो साथ में राइस ऐड कर लूँगी। सो ये बहुत ही जल्दी बन जाते इसलिए मैं राइस कुकर में ही मैं बना लेती हूँ पुलाव वगैरह। सो साथ में जी बस चिकन का कोरमा था, सैलेड थी, दही बल्ले थे, और आज की हमारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख लिया, खैर आफियत से गुजर गया। और दुआ करती हूँ कि आप सबका भी पूरा ये महीना खैर आफियत से गुजरे। अल्लाह हाफिज़।